मैं तरुणा माथुर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रेजी बेल पेपर सैलेड। क्रेजी बेल चीज टोमेटो सैलेड खाने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी तो लगता ही है और साथ ही सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। जिन जिन चीजों से ये हेल्दी सैलेड हम बना रहे हैं उनके फायदे मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं चारों तरीके के बेल पेपर, गाजर, खीरा, नींबू, खसखस, कश्मीरी लाल मिर्च, सफेद तिल, चेरी टोमेटो, एक उबला हुआ आलू, पनीर, हरा धनिया, शहद, चिली फ्लेक्स, नमक। आइए सैलेड बनाना शुरू करते हैं। सभी बेल पेपर्स को काट लेते हैं। मैं चारों रंग की आधी आधी बेल पेपर्स यूज कर रही हूँ और उनको चकोर चकोर काट रही हूँ। बेल पेपर हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इनसे हमें विटामिन ए, विटामिन सी व विटामिन ई और साथ ही पोटेशियम मिलता है और इनमें बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं, इसलिए ये वेट लॉस में भी बहुत ही सहायक हैं। अब चेरी टोमेटोस को भी दो दो पीसेस में काट लेते हैं। चेरी टोमेटोस भी मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होते हैं और इनसे हमें पोटेशियम भी मिलता है। अब खीरे को बिना छीले ऊपर से काट के उसका कड़वापन निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से खीरे को छीलकर उसके भी पीसेस कर लेते हैं। खीरे में बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं और भरपूर मात्रा में फाइबर मिलता है। अब प्लेट में पनीर और उबले आलू को एक साथ मैश कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पनीर लिया है और एक उबला हुआ आलू लिया है। पनीर से हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट के डाल लेते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच नमक, 1 चुटकी भर कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं और साथ ही इसमें आधा नींबू का रस भी डाल लेते हैं। सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। अब एक पैन को गरम करके ग्रीस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अप्पा पैन को यूज कर रही हूँ, इससे बनाने में आसानी रहती है। अब सभी पनीर के बॉल्स को कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करके इसके ऊपर खसखस लपेट लेते हैं। खसखस डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ में ही इसमें फाइबर भी होता है और कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। इस तरह से पनीर के सभी बॉल्स पे खसखस लपेट लेंगे और अप्पा मेकर में इनको सेकेंगे। इनको हमको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। ये देखिए हमने सभी पनीर बॉल्स को पलट पलट के सेक लिया है। अब एक पैन को गरम करके सफेद तिल को सौटे कर लेते हैं। सफेद तिल में मैग्नीशियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होता है। सफेद तिल को प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी पैन को हल्का सा ग्रीस करके उसमें कटी हुई चारों तरह की शिमला मिर्च और गाजर ले लेते हैं। अब इसमें आधा चम्मच नमक डाल के 1-2 मिनट के लिए सौटे कर लेते हैं। हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि इनको पूरी तरीके से गलाना नहीं है, इनको क्रंची ही रखना है। अब इनको एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं और इसमें कटे हुए चेरी टोमेटो और खीरा डाल लेते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच नमक, चुटकी भर कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं।
अब इसमें एक टीस्पून शहद और आधे नींबू का रस डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये हेल्दी सैलेड की रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल विक्टर्स किचन को सब्सक्राइब करें। अब इसमें एक टीस्पून शहद और डालकर मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें एक चम्मच रोस्ट किए हुए सफेद तिल डाल लेते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बचे हुए एक चम्मच शहद में एक चौथाई चम्मच सफेद तिल, एक चौथाई चम्मच चिली फ्लेक्स और आधे नींबू का रस डाल लेते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, सैलेड के लिए हमने चटपटी खट्टी मीठी चटनी तैयार कर ली है। अब सैलेड को सर्विंग के लिए एक प्लेट में अरेंज कर लेते हैं और अब इसको चीज बॉल से डेकोरेट कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया रंग बिरंगा हेल्दी सैलेड बनकर के तैयार हो गया है। अब इस सैलेड को और भी टेस्टी बनाने के लिए हमने जो ये चटपटी खट्टी मीठी चटनी तैयार करी थी वो डाल लेते हैं। बहुत ही यम्मी, रिफ्रेशिंग और सेहत के लिए फायदेमंद क्रेजी बेल चीज टोमेटो सैलेड बनकर के तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए और हमें बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।